बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन चाहिए? वो तो इस बार आरजेडी सरकार चाहिए। चिराग पासवान। तेजस्वी की चिराग, बस तेजस्वी अच्छा लगता है। अगर लेडीज आएगी तो एक लेडीज इन लेडीज की प्रॉब्लम समझ सकती है। नीतीश कुमार, अभी आप नीतीश कुमार को ही चाहते हैं आगे भी? हाँ, पढ़ा लिखा इंसान अगर सीएम बनेगा ना तो सबसे पहले स्टूडेंट की समस्या को समझे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। हम लोग मौजूद हैं जेडी वुमेन्स कॉलेज के बाहर और आज हम लड़कियों से बात करेंगे कि उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन चाहिए, उनकी पसंद क्या है, इस पर हम लड़कियों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ उनसे बात करते हैं। क्या है आपकी पसंद, नाम क्या है आपका? आकृति पांडे। तो अगला सीएम कौन चाहिए, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या कोई और? कोई जो भी है, बस हम लोग को सेफ्टी के लिए वो हम लोग का भावना को समझे, हम लोग को समझे, ताकि जो डर हम लोग के मन में है वो बार बार ना आए, हम लोग की मम्मी का परेशानी वो लोग समझे। और जस्ट अगर लेडीज सीएम आती है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर लेडीज आएगी तो एक लेडीज इन लेडीज की प्रॉब्लम समझ सकती है। वाह, लड़कियों ने एक नई बात निकाली है कि न तेजस्वी न चिराग, एक नई सीएम है, कोई महिला सीएम बने। आपको कौन अच्छा लगता है, तेजस्वी की चिराग? बस तेजस्वी अच्छा लगता है, उसके लिए तो बस बस अब बोल दिया आपने। आपको कौन अच्छा लगता है? नीतीश कुमार। आपको कौन अच्छा लगता है? हमको तो इस बार आरजेडी सरकार चाहिए। आरजेडी सरकार चाहिए, आरजेडी। मेरे घर में सब पापा मम्मी सबको यही कि लड़कियों में आपस में ही हो गई बहसबाजी। एक कह रही आरजेडी चाहिए, कह रही नीतीश चाहिए। नहीं, पर अभी तो दोनों साथ ही है। अभी साथ है, लेकिन वो रहते तो ज्यादा अच्छा रहता ना नीतीश का। अभी भी है तो सिचुएशन हैंडल में है अभी। हाँ, चलिए और लड़कियों से जानते हैं कि उनके कौन पसंद है। अगला सीएम कौन चाहती हैं आप, तेजस्वी, चिराग पासवान, क्या है आपकी पसंद? ऐसा तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं लगता है आपको? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको लगता है कोई महिला सीएम बन सकती है क्या? बनना तो चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। क्या बेटर कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एडुकेशन लेवल अच्छा कर सकती है। हाँ, तो देखिए कि तमाम लड़कियां अपनी राय दे रहे हैं कि उनको कैसा सीएम चाहिए। यहाँ पर और हमारी चर्चा हो रही है कि बिहार का अगला सीएम कैसा हो। आपकी पसंद क्या है बताओ? तेजस्वी, चिराग पासवान के नाम की खूब चर्चा हो रही है, आप किसे चाहती हैं? चिराग पासवान। हाँ। कोई कारण चिराग पासवान को पसंद करने का? वो ज्यादा हैंडसम है। चिराग पासवान इनको ज्यादा हैंडसम लगते हैं, इसलिए ये उनको अगले सीएम के तौर पर देखती है। तो यहाँ पे और लड़कियाँ हैं, देखते हैं कि उन्हें क्यों कौन चाहिए। क्या नाम है बहन आपका? आशा। बिहार का अगला सीएम कौन हो, आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद तेजस्वी, चिराग पासवान, कौन? नीतीश कुमार। यस, अभी आप नीतीश कुमार को ही चाहते हैं आगे भी? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी राय दी। और लड़कियाँ उनसे बात करते हैं, किसे देखती हैं आप, तेजस्वी, चिराग या कोई और? इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, किसे और चाहती हैं आप? जो पढ़ा लिखा हो, जो सबसे पहले शिक्षा को सुधारे और इंसान की सामाजिक ज़रूरतों को सुधारे, वही इंसान अच्छा व्यक्ति है। पढ़ा लिखा इंसान अगर सीएम बनेगा ना तो सबसे पहले स्टूडेंट की समस्या को समझेगा और कुछ समझेगा। तो पढ़ा लिखा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा तो खूब है, लेकिन उनके एजुकेशन के मामले में वो थोड़े पीछे हैं और इसलिए शायद ये कह रही हैं कि हाँ। क्या बोल रही हैं, क्या नाम है आपका दी? बताइए। देखिए, ये मैम बहुत अच्छा बोलना चाह रही हैं पर बोल नहीं पा रही हैं, चाट खाने की जल्दी है। नहीं। दीदी आप बताइए, आप तो शादीशुदा भी हैं, आपका तो अनुभव अच्छा खासा है, क्या नाम है आपका? नमिता। तो आप किसे चाहती हैं, आपके हिसाब से कैसा सीएम होना चाहिए बिहार का? नीतीश कुमार। बेहतर काम कर रहे हैं अभी तक तो। अभी क्या, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है अभी तक तो, मिला जुला है और अभी तक काम भी उनका अच्छा है। नीतीश कुमार तो कई बार कहते थे तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। तेजस्वी बेवकूफ नेता को लेके क्या करेंगे जिसका कोई काम ही नहीं है। तेजस्वी को पढ़ने, वो क्या दूसरे को पढ़ाएगा, क्या सही है ना? अच्छा, तो जिसको खुद नहीं पढ़ना आता है वो सोसाइटी को क्या एजुकेट करेगा? सही बात है। देखिए, ये दबी जुबान में ये कह रही हैं कि जो कोई भी सीएम हो, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि वो एजुकेटेड हो, कम से कम पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत सही बात कही कि पढ़ा लिखा सीएम जरूरी है, क्योंकि जो तमाम समस्याएं हैं वो शायद पढ़ा लिखा सीएम बेहतर समझेगा, उस पर काम बेहतर करेगा। सीएम हो तो योगी की तरह, फुल प्रूफ एक्शन में, फुल प्रूफ। हर क्षेत्र में एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन सीएम बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है, खाली वोट है।
जनता की परीक्षा से चाहिए तो योगी की तरफ एकदम, जब जैसा जो प्रॉब्लम है उसके साथ उसी तरीके का एक्शन, एट ए टाइम डिसीजन होना चाहिए, हर एक्शन पर हर एक्शन होना चाहिए। तो बिहार में भी एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के जैसे काम करे, समय पर एक्शन ले और एक ऐसी छवि बने जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित फील करें। डेफिनेटली इन्होंने बहुत सही बात की कि तुरंत एक्शन वाला सीएम होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसा सीएम चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो? मैम अभी से तो बेहतर ही होना चाहिए क्योंकि अभी तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं वो। तेजस्वी और चिराग पासवान के नाम की खूब चर्चा हो रही, क्या कहेंगी? नहीं मैम, इसमें हम लोग का कोई आइडिया नहीं, ज़्यादा न्यूज़ वर्स नहीं देखती मैं। अच्छा, लेकिन बेहतर सीएम चाहती है? हाँ यस मैम जरूर। चलिए बहुत अच्छी बात। तो आपने सुना बहुत सारी लड़कियों ने अपनी अपनी राय दी कि कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, आपकी इस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।